हेलो गाइस, वेलकम टू राम एकेडमी। तो हम ट्रायंगल्स स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, ठीक है। तो पहले तो थ्योरम करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रायंगल्स में, तभी आपको ट्रायंगल की एक्सरसाइज समझ आएगी। ओके, तो थ्योरम 6.1 है कि इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, जैसे ये ट्रायंगल हो गया हमारा, ठीक है। ओके, ये ट्रायंगल है, तो अगर इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, अगर मैं यहाँ से एक लाइन मार रहा हूँ इस लाइन के पैरेलल, ठीक है, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन मार रहा हूँ यहाँ से, तो द अदर टू साइड्स, जो दो साइडें होंगी ना, वो सेम रेशियो में डिवाइड होगी। ये चीज़ मुझे प्रूफ करनी है। तो ये ए बी सी डी ई, मतलब मुझे प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन डी बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो हम इसको करने का ट्राई करते हैं, क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, ठीक है, कि इसको कैसे करना है। तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो, इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं पहले इसको। ये मेरा ट्राइंगल हो गया, ये हो गया ए, ये बी, ये सी, ध्यान समझना इंपॉर्टेंट है। इसी को हम बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं, बेसिक्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। तो चाहे बीपीटी लिखा हो, चाहे आपको ये डेफिनेशन लिखा आए, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ए बी सी हो गया। तो इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, पैरेलल कर दिया मैंने ए बी सी, तो ये हो गया मेरा डी और ये ई। तो ये जो पैरेलल कर रहा हूँ, तो ये इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सो इसमें हमने गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है हमें, गिवन लिखना बहुत ज़रूरी है इन क्वेश्चंस में, ऐसे ही करना जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी, वेयर, जहाँ पे ये बोला कि जो ये वाली लाइन है ना डी ई, वो पैरेलल है बी सी के, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। तो ये ऐसे लिखते हैं हम। टू प्रूव क्या करना है हमें, मतलब एम क्या है हमारा, ठीक है। टू प्रूव करना है हमें कि जो ए डी अपॉन डी बी है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा है, कंस्ट्रक्शन में जब अगर आपका मन करे तो लिख लेना कंस्ट्रक्शन, नहीं तो कोई बात नहीं, लिख देना कंस्ट्रक्शन। जैसे कि ड्रॉ करा है हमने ई एन, ई एन ड्रॉ किया है, जो कि ये परपेंडिकुलर है, ये 90 है तो ये भी 90 है। वैसे ही डी एम ड्रॉ करा है, ये डी एम, ये एम है, तो ये भी 90 होगा तो ये भी 90 होगा। फिर ज्वाइन किया है बी को ई से और डी को सी से, ठीक है, ये ज्वाइन किया है डी को, बी को ई से ज्वाइन किया है और डी को सी से ज्वाइन किया है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है तो, ठीक है। तो ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए, ठीक है, और एंड ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी, ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी। फिर लिख सकते हैं आप ज्वाइन ज्वाइन डी सी एंड बी। तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या प्रूफ करना है। तो लेट्स स्टार्ट, टू प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। बहुत ही इजी प्रूफ है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब ना हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको डायग्राम है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है बेसिकली हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब ये बेस नहीं हो सकता क्योंकि हाइट वो होती है जो 90 डिग्री पे हो। तो अब ध्यान से देखो, ये हाइट है, क्या है, ये हाइट है, या तो ये हाइट है, ठीक है, दो ले सकता हूँ मैं। तो पहले मैं ना, ये हाइट किस पे आ रही है, इस वाले पे आ रही है। तो बेस क्या हो गया मेरा, बेस हो गया मेरा ए डी और हाइट होगी मेरी ई एन, ई एन। तो ये आ गया मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। फिर यहाँ से यही क्वेश्चन उठता है कि आपने ए ई को बेस क्यों नहीं लिया। तो हम एक बार ए ई को भी बेस ले लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है ए ई, ठीक है, बेस कितना है ए ई, और परपेंडिकुलर कितना है, ये आ गया डी एम। देखो परपेंडिकुलर में क्या आ रहा है, ये जो 90 पे आ रही है सीधी, ये आ गया डी एम। तो यहाँ लिख देते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर, ये 1 है, इसको हम 3 दे देंगे क्योंकि 2 नीचे बनानी है मुझे इसके, ठीक है। ओके, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई निकालना है मुझे, बी डी ई, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, बी डी ई, उसका ये फॉर्मूला ये होगा हाफ बेस इंटू हाइट। अब इसमें क्या है ना, इसमें तो कोई 90 दिख नहीं रही, तो बेस ले रहा हूँ मैं ये वाली साइड, थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ मैं इस वाली साइड को, ये वाला साइड बी डी लिया है मैंने बेस, तो हाफ बी डी तो आ गया बेस। अब हाइट क्या होगी इसकी, अब जब ऐसा कोई ट्राइंगल होता है ना, ध्यान सुनो, मैं आपको ना बना के दिखाता हूँ, यहाँ पर बना देते हैं हम इसको, ठीक है, एक रफ पेज ले लेते हैं यहाँ पर, कि अगर ऐसा कोई ट्राइंगल है यहाँ पर, ऐसे कोई ट्राइंगल है ऐसे, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर नहीं है और ये आपने इसको बेस मान लिया है, क्या मान लिया आपने इसको, ये आपका बेस हो गया है।
तो इसको ना एक्सटेंड करो आगे तक, और यहाँ पे जब तक वो परपेंडिकुलर ना मिले ये चीज, ये जो है आपका हाइट हो जाएगा इस केस में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो ध्यान से, समझ रहे हो, यहाँ पे ये ट्राइंगल ये वाला है, ये देखो ड्रॉ कर देता हूँ मैं ऐसे, ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, इसको एक्सटेंड करो यहाँ तक, तो ये इसकी हाइट हो गई है ई एन, ठीक है, ये आपको हाइट मिलेगी। तो हाइट की जगह क्या आ गया, ई एन, तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ये आ गई क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई का यहाँ पे निकालेंगे हम, यहाँ पे बी डी ई का नहीं निकालेंगे, यहाँ पे इसका निकालेंगे, देखो ये वाला एरिया जो है, ये देख रहे हो आप, ये थोड़ा डार्क कर देते हैं, ये डी ई सी का, ये हो गया डार्क, डी ई सी का, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये आ गया हाफ, बेस कितना है, बेस तो ई सी है, बेस कितना है, तो बेस हो गया मेरा ई सी, ई सी, और हाइट क्या है, अब ई सी को एक्सटेंड करोगे यहाँ तक तो हाइट आपको मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी हाइट, ये डी एम, वही वाला रूल यहाँ पे भी लग गया, तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, ओके, ये होगी इक्वेशन नंबर फोर। अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी निकाला, यहाँ पे निकाला बी डी, यहाँ पे निकाला ए डी, यहाँ पे निकाला डी ई सी, अब दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन आगे लेके चलते हैं, यहाँ पे इक्वेशन वन डिवाइडेड बाई टू, तो इक्वेशन वन था एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, यहाँ लिख रहा हूँ मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया है ये ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू, ऊपर इसकी वैल्यू है हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, यहाँ पे आ गया हाफ इंटू बी एच इंटू ई एन, ई एन से ई एन कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो ये आ गया ए डी अपॉन बी एच, क्या गया ए डी अपॉन बी एच, तो दोबारा लिख देते हैं इसको, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी एच, ये आ गई इक्वेशन नंबर ए, मान लेते हैं इसको इक्वेशन ए आ गई, ठीक है, समझ आ गया होगा आई होप आपको ये। अब यहाँ पे देखो इसमें थ्री डिवाइडेड बाय फोर करेंगे, ठीक है, थ्री डिवाइडेड बाय फोर करोगे तो थ्री क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल नीचे डी ई सी इज इक्वल टू, ऊपर आ गया हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम डिवाइडेड बाई, नीचे आ गया हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम, डी एम से डी एम कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल, तो क्या आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये आ गई इक्वेशन नंबर टू। अब प्रूफ तो होने ही वाला है, बस मतलब मुझे ये प्रूफ करना था ए डी अपॉन डी बी, ये डी बी है शायद मेरे ख्याल से, ना ये बी एच लिख दिया है हमने इसको, ये जो बेस है ना यहाँ पे, बेस जो बेस है ये डी बी था यहाँ पे, तो बी डी कर देते हैं इसको, बी डी, ठीक है। तो ये प्रूफ करना था कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, लेकिन अब ये क्या है ना, ये दोनों इक्वल तो होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, यहाँ पे ए डी ई तो है देखो, यहाँ पे डी ई सी है, लेकिन अब ना ध्यान समझना जरा इस बात को कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई है और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी है, ये कॉमन बेस है और ये दोनों लाइनें पैरेलल के बीच में आ रहे हैं, तो जब भी दो ट्राइंगल कॉमन बेस हो, जैसे कि ये यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ मैं, यहाँ पे नीचे कर देते हैं कि मान लो कि ये एक लाइन है दैट इज डी ई, ये ऐसे ठीक है, और ये लाइन है बी सी, और यहाँ पे मेरे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ये और एक ये, तो जो इसका एरिया होगा और जो इसका एरिया होगा ना वो सेम होगा, क्योंकि वो दो पैरेलल के बीच में आ रहे हैं और जिनका कॉमन बेस क्या है, डी ई है, कॉमन बेस क्या है, डी ई है, तो यहाँ लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, ठीक है, सेम है, रीजन लिख दो, बिकॉज लाइज बिटवीन कॉमन बेस दैट इज डी ई एंड बिटवीन सेम पैरेलल, पैरेलल्स कौन से हैं, डी ई एंड बी सी, डी ई एंड बी सी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट मीन्स अगर आप ये दोनों एरिया इक्वल हैं, तो ये दोनों तो पहले ही इक्वल थे, एरिया ए डी, एरिया ए डी, और ये दोनों भी इक्वल हो गए, इसका मतलब फ्रॉम ए एंड बी अगर दोनों बराबर हो गए हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, दैट इज ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, हैंस प्रूफ, ओके, बड़ी इजी थ्योरम है, ध्यान से दोबारा समझाता हूँ मैं एक बार, देखो गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, टू प्रूव करना है इसका, पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई लिया, तो बेस ये है और हाइट ये है, ए डी इंटू ई एन,
इसका लिया तो एक बार बेस ये भी सकता और हाइट ये हो गया, ठीक है। अब जब बी डी ई निकाला मैंने तो हाफ बेस ये हुआ लेकिन हाइट ये हो गया, जब इसका ये निकाला तो बेस ये हुआ और हाइट क्या हो गया, ये हो गया। दोनों को डिवाइड किया जिससे अब मुझे इन दोनों को इक्वल करना था, दैट इज एरिया ऑफ बी डी ई जो है डी ई सी के बराबर है। क्यों? क्योंकि सेम बेस और सेम पैरेलल में है, सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल, तो जिससे दोनों ये दोनों है जो है प्रूव हो गए हैं, ठीक है।